मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था क्योंकि इस बार मेरी चुनाव लड़ने की ना मैं पोजीशन में था ना मेरी मन बन पा रहा था। ऐसा क्या है कि आप 25 की 25 पहले ही आपको पता चल गई? वोट तो डलने दो, हम तो कमजोर हैं, हमारी इतनी पोजीशन नहीं है कि हम ये बात कह सकें हम 25 जीतेंगे। ये हमारे पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, वो पहले वाली स्थिति नहीं है। आज यदि एक प्रताप सिंह खाचरियावास मरता है, उसकी आवाज मरती है, तो उसका असर लाखों करोड़ों लोगों पर आता है। मैं अभी तक उस दर्द को भुला ही नहीं जो विधानसभा चुनाव में मैंने झेला। अब स्ट्रेटजी तो राम जी तय करेला, राम भरोसे गाड़ी और बिना लगाम दौड़ी वह स्थिति है। ये आप मानकर चलना, ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। केजरीवाल को जेल भेजो, कांग्रेस के खाते सीज करो, दहशत का माहौल व्याप्त करो। हारे का सहारा और बाबा श्याम हमारा। जयपुर डायलॉग यूट्यूब चैनल की कंट्रोवर्सी के बाद जयपुर शहर से कांग्रेस ने जैसे ही प्रत्याशी बदला, वैसे ही पहले प्रत्याशी बनाए गए सुनील शर्मा लगातार कांग्रेस इस फैसले को षड्यंत्र का हिस्सा बताते नजर आने लगे। वहीं दूसरी ओर इस सीट पर नए कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिए जाने के बाद से वो भले बीजेपी पर आक्रामक नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ने की असमर्थता की बात भी खुलकर मीडिया के सामने रखते नजर आ रहे हैं। पहले मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था क्योंकि इस बार मेरी चुनाव लड़ने की ना मैं पोजीशन में था ना मेरी मन बन पा रहा था, तो मैंने इस बार टिकट की दावेदारी नहीं की थी। और फिर भी कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया और भरोसा किया मेरे ऊपर, तो मैं पूरी ताकत लगाकर कांग्रेस परिवार पूरा इकट्ठा होकर हम सब जयपुर में 8 उम्मीदवार इकट्ठे होकर पूरी शहर कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस, प्रदेश के नेता हमारी नीतियों को लेकर जाएंगे, हमारी सोच को, हमारे विचार को, प्यार प्रेम की भाषा को, नफरत के बाजार में कैसे हम एक दूसरे को साथ के साथ खड़ा होकर देश को मजबूत कर सकते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने पूरी ताकत लगाकर चुनाव में उतरने की बात तो कही, साथ ही बीजेपी और भजनलाल सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये साफ किया कि कांग्रेस के पास अभी पैसा नहीं है और ना साधन है। ऐसे में खाचरियावास और पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और अब ये कह रहे हैं कि हम 25 सीटें जीतेंगे, दो बार 25-25 सीटें जीत गए, अब आप कह रहे हो हम वापस जीतेंगे। तो भाई साहब, उस ऐसा क्या है कि आप 25 की 25 पहले ही आपको पता चल गई? वोट तो डलने दो, हम तो कमजोर हैं, हमारी इतनी पोजीशन नहीं है कि हम ये बात कह सकें हम 25 जीतेंगे। लेकिन मैं लोगों से अपील करूंगा, हम हमारी पूरी ताकत जुटाकर वापस मैदान में उतरे हैं। हमारी अभी स्थिति, हमारे पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, वो पहले वाली स्थिति नहीं है। पहले वाला वो जोश भी धीरे धीरे आएगा, भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन बीजेपी का जो घमंड है उस पर यदि चोट पड़ेगी और ये ताकत इकट्ठी करके और लोगों का आशीर्वाद हमें मिल जाता है और हम जीत जाएंगे, तो ये राजस्थान की सरकार सुधर जाएगी। वही कांग्रेस के खाते सील किए जाने के मामले पर खाचरियावास ने एक नोट एक वोट के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरने की बात कही। साथ ही कहा कि अगर एक खाचरियावास को मरना पड़ा तो इसका असर लाखों लोगों पर पड़ेगा। आज यदि एक प्रताप सिंह खाचरियावास मरता है, उसकी आवाज मरती है, तो उसका असर लाखों करोड़ों लोगों पर आता है। और यदि ये आवाज जिंदा रह गई तो ये आवाज तो लोग ही बचाएंगे ना, तो लोगों के लिए मरना पड़ेगा, फिर सरकार से मुकाबला करके उसको झुकाना पड़ेगा। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बयान, न पैसा न धेला, खाचरियावास अकेला बयान पर खाचरियावास ने सफाई दी और कहा कि विधानसभा चुनाव में मिले दर्द को अभी भूल नहीं पाया था, इसलिए वो बयान उनके मुंह से निकला और अब वो फिर ताकत इकट्ठा कर मैदान में उतरेंगे। वो इसलिए मेरे मुंह से निकला क्योंकि मैं अभी तक उस दर्द को भुला ही नहीं जो विधानसभा चुनाव में मैंने झेला। उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और पूरी तबीयत ठीक नहीं हुई उससे पहले मैं पार्टी का आदेश आ गया, तो मैं मेरी ताकत इकट्ठी करके उतरा हूँ। तो ऐसे में जब आपकी तबीयत ठीक नहीं हो फिर आप ताकत इकट्ठी करके उतरो, तो ऐसे में पैसा देला तो नहीं है लेकिन लोगों का प्यार और समर्थन मुझे मिला। आगामी चुनावों की रणनीति पर खाचरियावास ने साफ किया कि इस बार रणनीति तो राम तय करेंगे और वो भी राम भरोसे ही हैं। अब स्ट्रेटजी तो राम जी तय करेला, राम भरोसे गाड़ी और बिना लगाम दौड़ी वह स्थिति है।
कि जय विधि राखी राम ताई विधि रही है, सीताराम 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 कहिए, ये तो ऐसे ही चलेगा। कांग्रेस के खाते फ्री, आखिरी सवाल है हमारा, खाते जो फ्री है उसी वजह से आर्थिक स्थिति मतलब हर कैंडिडेट पे जो है, देखो इसका असर पूरे देश में आएगा और ये आप मानकर चलना, ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। केजरीवाल को जेल भेजो, कांग्रेस के खाते सीज करो, दहशत का माहौल व्याप्त करो और कांग्रेस के कैंडिडेटों को बांध दो उनकी लोकसभाओं में, और जो लोग थोड़ा मजबूत हैं उनकी स्थिति है तो उनको ऐसा घेर लो, एक परसेप्शन क्रिएट करो कि बीजेपी तो जीत रही है, जीत गई, 400 पार है, तो लोगों में एक क्रिएशन करें कि भैया वोट तो बीजेपी को ही दो, बीजेपी ही जीतेगी। तो मैं ये कहूंगा, हारे का सहारा और बाबा श्याम हमारा, हम हारे हुए हैं तो बाबा श्याम हमारी मदद करेगा, वो खाटू वाला बाबा। हालांकि अब लोकसभा चुनाव से पहले आर्थिक रूप से कांग्रेस की असमर्थता पर खाचरियावास ने खुलकर बात रखी, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पार्टी ने आनंद फानंद में खाचरियावास को टिकट तो दिया, लेकिन क्या वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है और क्या वो पहले ही अपनी चुनावी हार मानकर सरेंडर करते नजर आ रहे हैं।